ईद के तीसरे रोज से खुशियों के रंग महकने लगे। तफरी गाहों में शहरियों के डेरे, खाबों और खुशियां बांटने का सिलसिला जारी। सभी ने बाकी मामदा ईदी भी मुस्कुराहटें समेटने में लगा दी। बच्चे बड़े सभी ईद की रंगीनियों में खो गए। खुशियों भरी ईद खूब मनाई। तीसरे दिन आवाम फिर चिड़ियाघरों में आई। बहावलपुर चिड़ियाघर में बच्चों की मस्तियां, शेर, चीता और मोर बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। झूलों में खूब हुई मौज मस्ती। छोटे बड़े सभी ट्रेन में बैठकर खूब महसूस हुए। शहर औलिया में ईद उल फितर पर लकी ईरानी सर्कस की धूम। सर्कस में इंसानों और जानवरों की हैरत अंगेज कमाला। नन्हे मुन्ने घोड़े देकर बच्चे खुशी से निहाल। उच्च शरीफ हैंड बच्चनत पर ईद के तीसरे रोज भी शहरियों का रश। छोटे बड़े सब लजीज दरियाई मछली खाने पहुंच गए। ठंडी हवा के झोंकों ने खाने का मजा दुबाला कर दिया। कबीरवाला हेड सदनाई पर शहरियों की तफरी। उधर तौंसा बैराज पर नौजवानों ने ढोल की थाप पर खुशियों का इजहार किया। ईद के तीसरे रोज भी सियासतदानों के डेरों पर रौनकें। मियांवाली में वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्यासी की अहबाब हल्के से मुलाकात। उधर रहीम यार खान में एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक और आसिफ मजीद की आवाम से मुलाकात। इलाकाई मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी भी कराई। अहमदपुर चरखिया में डेवलपमेंट फोरम की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफियों की भी शिरकत। शहर की खूबसूरती, तरक्की और मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। जनूबी पंजाब के कबायली इलाके तुर्की की राह पर होंगे गामजन। कबायली इलाकों को मिलेगी हर मुमकिन सहूलत। डेरा गाजी खान में वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। कबायली इलाकों और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। कोहे सुलेमान मेले को भरपूर तरीके से मुनक्किद करवाने का हुक्म। सुबाई मुशीर मोहम्मद हनीफ फताफी, रुकन सुबाई असेंबली सरदार अहमद अली दरेशक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुल्तान में खानों के शौकीन बेएहतियाती के बाद जा पहुंचे अस्पतालों में। ईद के तीसरे रोज 66 मरीज पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर निश्तर अस्पताल जा पहुंचे। बहावलपुर में भी 350 अफराद गेस्ट्रो का शिकार हुए। ईद उल फितर के मौके पर बेएहतियाती के बाद ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुल्तान निश्तर अस्पताल में दर्जनों जख्मी शहरी पहुंचे। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान अब तक 1487 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया की इमरजेंसी की एक्सरे मशीन एक बार फिर खराब। मरीजों को दुश्वारी का सामना। दूर दराज से आने वाले मरीज गर्मी में एक्सरे के लिए होने लगे खार। बिहाड़ी में थाना दानेवाल के हदूद में इंसानियत सोज वाकया। लड़की को मिलने जाने वाला नौजवान लड़की के अहले खाना के हद से चढ़ गया। लड़के के बाल, मूंछे और भवें मूंड डाली, मुंह काला करके गलियों में घुमाते रहे। जबकि डीएसपी राव तारिक महमूद का कहना है कि दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे ये रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, फौरी तौर पर जो है वो पुलिस हरकत में आई है और इसमें दो मुलजमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं और मुझे इस वक्त थाने मौजूद है। कार्रवाई की जा रही है, उनकी एप्लीकेशन जो है मौसूल होगी और उस पर जो भी इस पे सेक्शन बनती है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। सानहा जलालपुर पीरवाला के 18 मुलजमान गिरफ्तार। सुबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की रोही से गुफ्तगु। वाके पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा कि हुकूमत बाखबर और मुतहरक है, मुल्जिमान जितने भी बाअसर हो नहीं बचेंगे। जलालपुर में 10 अफराद के जहांबक होने के मामले में अहम पेशरफ। वाकई में गिरफ्तार 18 अफराद में से 8 मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल। गिरफ्तार अफराद में 2 खवातीन भी शामिल। उधर डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एसएन यूनिस की टीम के हमराह जलालपुर आमद।
तहकीकात और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। 13 जख्मी ताहाल निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। सादिकाबाद के इलाके नवाज टाउन के मकीनों का महकमा अहलकारों को रिश्वत न देना जुर्म बन गया। इलाके के ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए अहलकारों ने मुबैना तौर पर 30,000 मांगे, न देने वाले 7 घरों की बिजली काट दी। मुतासरीन परेशान, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। म्यूनिसिपल इंतजामिया कोट अद्धू की नाहली, ईद पर शहर की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। डिस्पोजल मोटर जलने पर पानी की निकासी बंद। वजीर ममलिकत की गली भी पानी से भर गई, नाले उबलने से इलाका मकीन शदीद परेशान। मियांवाली रेलवे स्टेशन पिपला को जाने वाला रोड अरसा दराज से बंद, शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। मुतबादल खतरनाक रास्ते के बाद शहरियों को नुकसान का खदशा। लैया की तहसील चौबाड़ा अड्डा रुकनाबाद के करीब कार और रिक्शे में तसादुम, 2 अफराद जहां भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल। कहरोड़ पक्का में एमएनए अब्दुल रहमान कांजू की अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर वसीम अख्तर की रिहाइश का अहमद, अहले खाना से डॉक्टर वसीम अख्तर की वफात पर इजहार ताजियत। मरहूम के एहसाले सवाब के लिए फातह अख्वानी और मगफरत की दुआ भी की। मियांवाली में ऑल पाकिस्तान सियासी टूर्नामेंट मेले का आगाज, मुल्क भर से शायकीन की शिरकत, 1,000 से ज्यादा तीतर मुकाबले में लाए गए। और मुल्तान में हजरत दस्तकीर सैयद पीर गौस पाक नुरानी रहमतुल्लाह अलैह का 736वां उर्स जारी। सजादा नशीन दरगाह शाह शम्स तारिक अब्बास शम्सी की खसूसी शिरकत, जायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। बिहाड़ी में थाना दानेवाल के हदूद में इंसानियत सोज वाकया, लड़की को मिलने जाने वाला नौजवान लड़की के अहले खाना के हफ्ते चढ़ गया। लड़के के बाल मूंछे और भवें मूंड डाली, मुंह काला करके गलियों में घुमाते रहे। जबकि डीएसपी राव तारिक महमूद का कहना है कि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरठ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे ये रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, फौरी तौर पर जो है वो पुलिस हरकत में आई है और इसमें 2 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं और मुझे इस वक्त थाने मौजूद है, कार्रवाई की जा रही है, उनकी एप्लीकेशन जो है मौसूल होगी और उस पर जो भी इस पर सेक्शन बनती है उसके मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। सानहा जलालपुर पीरवाला के 18 मुलजमान गिरफ्तार, सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की रोही से गुफ्तगु, वाके पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा कि हुकूमत बाखबर और मुतहरक है, मुल्जिमान जितने भी बाअसर हो नहीं बचेंगे। जलालपुर में 10 अफराद के जहांबक होने के मामले में अहम पेशरफ्त, वाकई में गिरफ्तार 18 अफराद में से 8 मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल, गिरफ्तार अफराद में 2 खवातीन भी शामिल। उधर डीआईजी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एसएन यूनिट की टीम के हमराह जलालपुर आमद, तहकीकात और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। 13 जख्मी ताहाल निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। सादिकाबाद के इलाके नवाज टाउन के मकीनों का महकमा अहलकारों को रिश्वत न देना जुर्म बन गया। इलाके के ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए अहलकारों ने मुबैना तौर पर 30,000 मांगे, न देने वाले 7 घरों की बिजली काट दी। मुतासरीन परेशान, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। म्यूनिसिपल इंतजामिया कोट अद्धू की नाहली, ईद पर शहर की गलियां सीवरेज के पानी में डूब गईं। डिस्पोजल मोटर जलने पर पानी की निकासी बंद। वजीर ममलिकत की गली भी पानी से भर गई, नाले उबलने से इलाका मकीन शदीद परेशान। मियांवाली रेलवे स्टेशन पिपला को जाने वाला रोड अरसा दराज से बंद, शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। मुतबादल खतरनाक रास्ते के बाद शहरियों को नुकसान का खदशा। लैया की तहसील चौबाड़ा अड्डा रुकनाबाद के करीब कार और रिक्शे में तसादुम,
दो अफराद जहां भाग जबकि दो जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल। केहरोड़ पक्का में एम